प्रभु, क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है। परमानंद की प्राप्ति। किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ये सब संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझ कर एकत्रित कर रहे हैं, वो सदैव नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वो अहंकार में जीते। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो, वहां सुख कैसे रह सकता? किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ, उसे ये दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने की। किंतु प्रभु, क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? पर दुख का मूल कारण भी तो यही है ऋषि भृगु। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है, उसे भंग कर देती। हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती, प्रमाद मद होता है, और मद अहंकार का स्रोत है। और अहंकार पूर्णतः शुभता में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात आसक्ति अशुभता की जननी। इसलिए अनावश्यक है। तो प्रभु, आसक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? और हम आसक्ति से कैसे उबर सकते हैं प्रभु? आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराए का भेद मिटाना अनिवार्य है। और यह तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करें। जब हम यथार्थ को पहचान, उसे स्वीकार करें, हम अपने सुख को सांसारिक तत्वों से परिभाषित नहीं करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, हम बंधते जाएंगे। जब हम स्वयं अपने भीतर झांकना आरंभ करेंगे, हमारी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता जाएगा। महादेव, आपने हमें दुख का कारण तो बता दिया, किंतु हम
भाई के बारे में भी जानना चाहते हैं। भाई, भाई का स्रोत है इच्छा। पाने की इच्छा होगी तो उसे खोने का भय भी होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो मृत्यु का भय भी अवश्य होगा। किंतु केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, गंधर्व सभी इस भय से ग्रसित है। क्योंकि इच्छाओं से मुक्त कोई भी नहीं। ईर्ष्या, ईर्ष्या, द्वेष और निंदा और षड्यंत्र जैसे पाप भय से ही उत्पन्न होते हैं। और प्रत्येक पाप का प्रायश्चित केवल दुख और कष्ट उठाने से ही संभव होता है। इसलिए भय भी अंत में दुख का कारण बन जाता है।